वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आपका नाम क्या है? संध्या शर्मा। संध्या जी, मेरे पास सेकंड टाइम आए हैं और आप ईस्ट दिल्ली से आए हैं? साउथ दिल्ली से। कहाँ से? आश्रम चौक। आश्रम से आए हैं और ये किसी के रेफरेंस से आए हैं और इनको डिस्क की दिक्कत है और काफी ज्यादा टाइम से परेशान है। आप कितने टाइम से परेशान है? 7 साल से। तो आप 7 साल में क्या क्या किया और कितनी दिक्कत थी, ये हमें एक्चुअली वीडियो में जानना चाहते हैं। मेरे को काफी प्रॉब्लम थी, मैं उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, धीरे धीरे रिकवरी हुई। बट मैं आज भी ना इस स्टेज पे हूँ कि मैं ना प्रॉपर अपने आप को कहीं फेस नहीं कर पाती, ऐसे लगता है वीकनेस बहुत आ गई, गिर गई तो मैं संभल कैसे पाऊंगी, और बैलेंस नहीं है, जैसे मेरे पैर में ना मेरे बैक में बैलेंस नहीं बना पा रही मैं, और पेन रहता है। थोड़ा सा बैठूंगी तो नहीं बैठ सकती, 5 मिनट बाद ही पेन शुरू हो जाएगा। गाड़ी में ज्यादा लंबा नहीं जा सकती, सो नहीं पाती, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर भी मैं अब आपसे पूछूंगा, फिर भी जो इससे पहले वो जैन आई थी आंटी, आपकी उम्र 50 साल है? जी, 54। उनकी 48 थी। हाँ सर। आपने मुझे एंड में क्या बताया था जब हमने उनका पूरा ट्रीटमेंट किया था? सर, उनका था कि मैं स्लीपर्स नहीं पहन सकती हूँ, मैं बेयरफुट रहती हूँ अपने घर में। पूरे वो दिन भर काम करती हैं कैसे? नंगे पांव, है ना। तो देखिए, इस वीडियो का यही पर्पस है, हम हर किसी को यही बोलते हैं, फीमेल्स में दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं, बट 99% जो बैक और स्पाइन और घुटने की इन सब की दिक्कतों से जो लोग आते हैं वो इसी चीज से ज्यादा परेशान होते हैं कि वो खड़े रह के काम करते हैं, और खड़े रह के काम करते हैं, कई बार पतली स्लीपर्स पहनते हैं, कई बार स्लीपर्स सालों साल पहनते हैं, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, उन्हीं की वजह से सालों साल दिक्कत चलती रहती। डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं करती ये नहीं बोल सकते, या बीमारी ठीक नहीं है, क्योंकि बीमारी या बॉडी तो हमेशा हील होती है। आपका आज का दर्द है, आपने रात को सोए तो अगले दिन वो बेटर होती है, बट जैसे ही आप काम करके खड़े होते हैं वो चीज वहीं पे वापस हो जाती है। तो आपको भी मैंने यही बोला था कि अगर आप बिल्कुल उस बीमारी से खत्म होना चाहते हैं, खड़े होकर काम ना करें, बैठ के करें, और खड़े होकर थोड़ा बहुत काम करना भी पड़े तो स्पोर्ट्स शूज पहने, है ना। तो आप विश्वास मानिए, तो इस थेरेपी से स्पोर्ट्स शूज पहनने से आपकी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, यानी ठीक हो जाएंगी सारी सारी। अगर 2-4% होंगी तो वो एज रिलेटेड होंगी, जिनको हम वॉक से या किसी और चीज से बेटर कर सकते हैं। दवाइयां आपने खा के देख लिए हैं, है ना। और दूसरी चीज हम वीडियोस को ये बताना चाहेंगे, अब आपकी के मुंह से हमने क्या क्या किया और आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक दिन में? आपने मुझे कपिंग कराई, कपिंग कराई, और निडल एक थेरेपी दी, और आज टेंशन भी दिया है। बट मुझे फर्स्ट डे से ही ना मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरी ना बॉडी खुल गई हो थोड़ी, और मेरे फेस पे भी थोड़ी सी आई, मैं ना फेस ऐसे रहता था ढीला ढीला, ऐसा झुका झुका सा, आज मुझे ना प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि मैं काफी टाइम पहले वाली संध्या हूँ। तो मुझे एक दिन से बेटर लगा, तो मैं आज फिर आई। अच्छा। और इसी होप से आई हूँ कि मैं ठीक होके ही जाऊंगी। क्या आपने कल काम किया, आज काम किया? सेम काम किया था, थोड़ा बहुत ही कम हुआ था। हाँ। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मी प्लीज बैठ जाओ, तो मुझे याद आ गया कि हाँ मुझे बैठना। तो आपने शूज नहीं पहने? शूज मैंने घर में नहीं पहने थे, मैं वॉक पे जाती हूँ थोड़ा सा, तब पहन के। बट आपको घर में पहने, क्योंकि हम ज्यादा टाइम तक घर में रहते हैं ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है गर्मी से ना पहन पाऊँ, लेकिन आपको दवाइयाँ खाना अच्छा लगता है, डॉक्टर के क्लिनिक जाना अच्छा लगता है, या जूते पहनना? दवाइयाँ तो 7 साल से हुआ नहीं ना, मैं इसीलिए आई हूँ कि मुझे दवाइयाँ छोड़नी है। तो अब दवाइयाँ छोड़ने का यानी ट्रीटमेंट तो एक चीज है, बट अगर जूते नहीं पहनेंगे तो ये ट्रीटमेंट भी सब अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो मैं ठीक ही होंगी। शूज पहनना ही पहनना है। ठीक है, तो व्यूअर्स जो भी फीमेल्स ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है सारी फीमेल्स के लिए, चाहे वो 30 साल की हो, 40 की हो, 50 की हो, आपको मेरी ये बात बिल्कुल फॉलो करनी, काम करते समय ज्यादा खड़ा नहीं रहना, चेयर लगा सकते हैं किचन में, और स्पोर्ट्स शूज जरूर पहने, और अगर स्पोर्ट्स शूज 1.5-2 साल पुराने हो जाए तो उनको चेंज करना ना भूलें, या 1 साल के अंदर ही कर लें ज्यादा अच्छा, ठीक है। और एक और चीज है कि एक ही जूते रोज पहनेंगे तो जूतों का भी रेस्ट चाहिए, सबकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो अगर मंडे के जूते पहनते हैं वो ट्यूजडे को ना पहने, जो ट्यूजडे को पहनते हैं वो वेडनेसडे को ना पहने, इससे जूते की लाइफ भी बनी रहेगी और आपके बॉडी के लिए ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। सर, व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि क्यों नहीं खड़ा होना है ज्यादा लंबे टाइम के लिए? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जो भी बेसिकली इंडियन कुकिंग जो होती थी वो बहुत लंबी कुकिंग है ना, जिसमें टाइम आपका 1 घंटा कम से कम, हम इसमें सिर्फ सब्जी बनाने की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो लंबी कुकिंग है जिसमें आप आधे घंटे में
वेस्टर्न स्टाइल कुकिंग नहीं कर सकते और किचन हो गई आपकी वेस्टर्न जो खड़े होके करते हैं, ओल्ड एंशियंट स्टाइल में हम बैठ के करते थे तो कमर पे उतना जोर नहीं पड़ता था और झुक के इस तरह से काम करना। अब वॉश मशीन भी आपका झुका हुआ है, आप उसी पे धोएंगे तो पूरे टाइम आपकी कमर और घुटने दिक्कत में रहते ही रहते हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल चीज है। ये चीज अगर आप बैठ के करेंगे आप 2 घंटे भी कर सकते हैं, है ना। तो बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि आप बीच बीच में रेस्ट कर लें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है व्यू, सही है। मैं आंटी का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। पहले दिन बहुत अच्छे से हुआ था, दूसरे दिन भी देखते हैं कितना होगा। ठीक है, स्टमक पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। नाइस नाइस, टर्न कर लेंगे मेरी तरफ। नीचे वाला पैर सीधा कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। इजी नहीं, आप पीछे में जाइए, मुझे एंगल चाहिए होता है। यस इजी, वेरी नाइस, इजी Easy. Okay. उस तरफ। जब डॉक्टर तिरपी आई थी तब ये भी चप्पल पहनती थी, हमारे पास आने के बाद वो शूज पहनने लगे। कौन से शूज पहनने चाहिए? कैसे भी पहन लीजिए, जैसे आपको मन करे पर शूज जरूर पहने। खुला फाइनली, काफी टाइट था, सीधा लेटेंगे तो बीच में ये छोड़ दीजिए। दूसरे दिन ज्यादा अच्छा है मेरे लिए भी और आप भी महसूस कर रहे हो कि उस दिन हम इतनी लचक नहीं हो पा रही थी जितनी की हो गई। आइए बैठेंगे। तो व्यूअर्स को बोल दीजिए कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप भी देखिएगा जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सही है इलाज। तो इसलिए आपको अगर चाहिए कि आप ठीक होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और यूज करके देखें, क्योंकि मैं भी किसी के उससे आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने जो इतने टाइम से पता नहीं अपने आप को लूज कर दिया, जो मैंने लॉस किया है, जो खोया है, शायद मैं उसे फिर पाने के लिए आई हूँ। आप लोग भी देखकर आए और जो नहीं आ सकते उस वीडियो को देख के भी ठीक हो जाएंगे। वीडियो को जरूर देखे, इन्फॉर्मेशन ले, फॉलो करे, तो हर कोई तो नहीं आ सकता, तो वीडियो को समझेंगे, फॉलो करेंगे, हम रोज दिखाते रहेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं है। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर एंड मोर वीडियो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।